हेलो एवरीवन, मैं अंश वर्मा आप सभी के लिए गुड न्यूज लिख रहा हूँ। गुड न्यूज ये है कि मैं आपके लिए एक नया शो ला रहा हूँ, एसएससी शॉर्ट ट्रिक्स। अब एसएससी का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने हो, मैथ्स रीजनिंग के कितने भी डिफिकल्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन हो, मैं आपको सिखाऊंगा, आप सॉल्यूशन देंगे विद इन सेकंड्स। तो मेरे साथ डेली 5 मिनट के लिए बने रहिएगा, मंडे टू फ्राइडे मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट डेली तैयार रखूंगा, ताकि अब एसएससी हमसे दूर नहीं। एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मुश्किल समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। अगर 2-3 वर्ष की बात की जाए तो वही रटा रटाए फॉर्मूले पे आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2 वर्ष 4 माह या 6 माह के लिए आप निकालें तो आपको मुश्किल हो सकता है। 4 माह हो 6 माह हो 9 माह हो 8 माह हो, इसके लिए आपको मुश्किल हो सकता है। तो आज मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ सेकेंड्स में ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, पहले स्क्रीन पे देखिएगा। अनिल ने 10,000 रुपये की राशि को 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए, तो परिपक्वता के बाद कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मूलधन बताया गया है, समय 2 वर्ष 6 माह है, जो कि मुश्किल पैदा करेगा, दर प्रतिशत 10% है। स्क्रीन पे देखिए जानकारी है, जैसा कि कहा गया है मूलधन 10,000 रुपये है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। जो मुश्किल पैदा कर रहा है वो ये है कि समय 2 वर्ष 6 माह है। देखिए, इन जानकारियों को ऐसे स्ट्रक्चर बनाना हमें आना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और जितना समय होता है उतनी लाइन्स होती है, और दर को हम इसके ऊपर लिखते हैं। आगे देखिएगा, समय 2 वर्ष 6 माह है, पहला वर्ष कंप्लीट है, दूसरा वर्ष भी कंप्लीट है, लेकिन तीसरे वर्ष में देखिए जो मुश्किल पैदा कर रहा है 6 माह है। अगर ऐसे 6 माह दिया हो तो आप कैसे वर्ष में इसको तब्दील कीजिएगा, देखिए 6/12 कर दीजिए, जिसका मतलब होता है 1/2 वर्ष। इस प्रकार से अगर 9 माह दिया रहता तो 9/12 करते तो 3/4 आ जाता, अगर 8 माह दिया रहता तो फिर आप 2/3 आ जाता। इस प्रकार से आपको देखिए तीसरे वर्ष में परिवर्तन करना है, जैसे ये 1/2 आ गया है आपको यहाँ पे 2/2 कर देना, कहने का मतलब है तीसरे वर्ष का ब्याज जो भी आएगा उसको 2/2 करना है। तो इस प्रकार से आप जो मुश्किल समय के प्रश्न होते हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अब ब्याज निकालते हैं, पहले वर्ष के लिए ब्याज निकाल रहे हैं तो केवल मूलधन पे ब्याज निकलेगा, 10% किए तो 1,000 रुपये पहले वर्ष का ब्याज निकल चुका है। जब हम दूसरे वर्ष आते हैं तो मूलधन पर ब्याज निकालते हैं तो कितना आता है, 1,000 रुपये आ चुका है। अब देखिए पिछले वर्ष का ब्याज, कहने का मतलब है जो पहले वर्ष 1,000 रुपये मूलधन पे ब्याज आया था उसमें भी हमें ब्याज निकालना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज निकाला जाता है। तो 10% कर लीजिए इस पे तो कितना आया, 100 रुपये, 2 वर्ष तक का ब्याज हो चुका है। अब 6 माह का ब्याज निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप पूरे के पूरे तीसरे वर्ष का ब्याज निकालिए, फिर हम 6 माह में कैसे बदलेंगे आपको बताएंगे। देखिए मूलधन पे निकाला गया ब्याज तो समान होता है, इसलिए यहाँ पे 1,000 हो गया। अब देखिए ये 3 पुराने ब्याज हैं जो कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष को मिला के इन पे हम ब्याज निकालेंगे। इस 1,000 पे 10% निकाले तो कितना होगा, 100 रुपये होगा। इस 1,000 पे 10% निकाले तो कितना होगा, ये भी 100 रुपये होगा, और इस 100 पे 10% निकाले तो 10 रुपये होगा। ठीक है यहाँ तक? देखिए आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है और 2/2 कर लेना है। तो जोड़ने पे 1,000 और 100, 200, 1200 और ये 10, तो 1210/2 करने पे 605 आया, ये 6 माह का ब्याज हो गया। अब देखिए पहले 2 वर्ष के ब्याज जोड़ लीजिए, 1,000, 1,000, 2,000, 2,100, 605 के साथ 2,100 जोड़ने पे हमें पता चलेगा कि 2,705 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है। इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा, आप प्रयास कीजिए कि उसको सेकंड्स में हल कर पाए। स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा, ऊपर मूलधन, समय जितना दिया गया उतना लाइन, दर को ऐसे लिख लीजिए, और स्ट्रक्चर आपको पता है अगर 3 वर्ष का है तो 3 बार 1 जैसे ब्याज आएंगे, फिर 3 जैसे 1 जैसे ब्याज आएंगे, फिर 1 अकेला आएगा। लेकिन आप इस बात पे गौर कीजिएगा, जब पहले वर्ष निकाल रहे हैं तो मूलधन पे ब्याज निकलता है, ये आसानी से हो जाता है। दूसरे वर्ष पे आइएगा तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 बार ब्याज निकलेगा। जब तीसरे वर्ष पे आइएगा तो ये 3 अंक और ये 1 4, मतलब 4 ब्याज निकलेगा। इस पे ब्याज निकलेगा, इस पे अलग अलग निकलेगा, उनको आपको जोड़ना होगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। 20,000 रुपये की राशि 1 वर्ष 9 माह के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाए तो परिपक्वता के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। आप इसका हल दीजिए, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, प्रयास कीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्ट सब। T-30 seconds. T-20 seconds.
5, 4, 3, 2, 1. होगा, ध्यान से देखिए, 10% अगर 2000 होगा तो 20% 4000 हो जाएगा। ये मूलधन पर निकला हुआ ब्याज हो चुका है। अब अगले वर्ष की ओर आते हैं, पूरा दो वर्ष, दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज निकालिए, फिर 3/4 कीजिए। देखिए मूलधन पे निकाला हुआ ब्याज तो समान होता है, इसलिए सीधा सीधा आपने 4000 लिख लिया। अब आपको पता है कि पिछले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 4000 पे 10% 400 होगा, 20% 800 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में एक वर्ष 9 माह है, तो इन दोनों को जोड़िए। पहले कितना हुआ, 4800 हुआ, और ये पूरे वर्ष के लिए नहीं है, ये 3/4 वर्ष के लिए है, तो 3/4 कर लीजिए। 3/4 करने पर आपको पता चलेगा 12 × 48, 20 और 3 × 1200 करने पे 3600 रुपए आया ये 9 माह का ब्याज, और ये 4000 जो है पहले वर्ष का। तो कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 7600 रुपए। तो इस प्रकार से मुश्किल समय पे भी आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो इंतजार कीजिएगा अगले एपिसोड का। थैंक यू वेरी मच।